बायोलॉजी, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ सेंट्रल डोगमा में कि क्या होता है। डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन, क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ आरएनए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन? बिकॉज द वन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इन टू अनदर लैंग्वेज। आरएनए इज द बेसिकली न्यूक्लिक एसिड चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन, एंड प्रोटीन इज बेसिकली अमाइनो एसिड चेन। सो हेयर वन लैंग्वेज इज ट्रांसफर इन टू अनदर लैंग्वेज, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ओके, डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन। ओके, इतना समझ में आ गया सबको? अब देखो, रेप्लिकेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट आया कि रेप्लिकेशन किस तरीके की होती है। मतलब जो नया डीएनए बनता है, ये पुराना डीएनए, अब इससे क्या बनेगा? नया डीएनए बनेगा। तो दो कंसेप्ट आए, एक था कि जो नया डीएनए वो कंप्लीटली नया है, उसमें पेरेंट्स का कुछ भी नहीं है, और पेरेंट्स वाला एज इट इज क्या हो जाता है? प्रिजर्व हो जाता है। ये थ्योरी कैंसिल हो गई, ये थ्योरी कैंसिल हो गई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पेरेंटल डीएनए होता है, ये पेरेंटल डीएनए, ये बीच में से टूट जाता है, इसकी एक स्ट्रैंड अलग हो जाती है और एक स्ट्रैंड अलग हो जाती है, और फिर इनके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड बनती है, डॉटर स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पे एक डीएनए से दो नए डीएनए बने, है ना? ये दो डॉटर डीएनए बने। अब जो दोनों डॉटर डीएनए बने, उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज है, एक पेरेंटल है और एक न्यूली सिंथेसाइज है, पेरेंट और डॉटर लिख रहा हूं मैं। तो इसके अंदर एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक डॉटर स्ट्रैंड है, फिर से एक डॉटर और एक पेरेंटल। सो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन कंसेप्ट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। व्हाट इज दी कंजर्वेशन? कंजर्वेशन यानी जो पुराना था एज इट इज हम ली आए। कंजर्वेटिव सोच यानी पुरानी सोच, ऑर्थोडॉक्स, जो पहले चला आ रहा था वो ही हम एज इट इज खींच कर आगे ले आए। सो दिस इज दी कंजर्वेशन, है ना? तो यहां पर क्या हुआ? कंजर्वेशन, कि जो पेरेंटल डीएनए था वो एज इट इज आ गया, बट यहाँ पर क्या है? सेमी कंजर्वेशन, आधा पेरेंटल आधा नया, सेमी कंजर्वेटिव सोच। सेमी कंजर्वेटिव सोच, सेमी कंजर्वेटिव सोच का मतलब क्या है? आधा नया आधा पुराना, ठीक है। मेरी नई जमाने की सोच कि भाई लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया कपड़े तुम्हें शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, तुम्हें बिकनी में बाहर नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाने। तो ये हो गई पुरानी सोच। नई सोच क्या हो गई? कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जॉब करो, अपना पैसा कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो। तो दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव सोच, आधी पुरानी आधी नई। सो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन कंसेप्ट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ये पहली बार प्रूव करा किसने? मैसेलसन एंड स्थाल ने। किसने प्रूव करा? मैसेलसन एंड स्थाल ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। बट ये तो एक थ्योरी हो गई कि मैं तुमसे एक बात बोल दूं, बट मेरे पास उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन उन्होंने प्रूफ दिया। कैसे प्रूफ दिया ये देखो, उन्होंने क्या करा? इकोलाई बैक्टीरिया को हैवी नाइट्रोजन के अंदर ग्रो करवाया, N15 मीडियम। इसमें N15 मीडियम में तुम्हें पता है नाइट्रोजनस बेस, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो इनका जो डीएनए बना वो हैवी डीएनए बना। कैसा डीएनए बना? हैवी डीएनए। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन का जो डीएनए था वो कैसा था?
हैवी डीएनए, इनके अंदर N95, N95 बोल रहा हूँ, N15 था, ठीक है। अब सेम कल्चर को ट्रांसफर करा 20 मिनट बाद, किसमें, N14 मीडिया में, किसमें, N14 मीडिया में, ठीक है। तो ये पिंक से दिखा रहा हूं मैं N14 मीडिया। अब क्या हुआ, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो पेरेंटल डीएनए था वो अलग हो गया, ठीक है। एक N15 ये आ गया, एक N15 ये आ गया। अब इस पे क्या होगा, नई स्ट्रैंड बनेगी। तो जो नई स्ट्रैंड बनी उसमें देखो, एक N14 आया और एक N15 आया। तो इसको जब मैंने सीजियम क्लोराइड में डाला, यानी डेंसिटी जब मेजर करी, तो ये डीएनए बहुत भारी था और ये नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट आ गया, यानी ये हैवी डीएनए के उसमें आ गया, क्राइटेरिया में, एन फिफ्टीन वाला हैवी डीएनए में आ गया, जब हमने इसे किसमें डाला, सीजियम क्लोराइड में। फिर अगर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती, तो अब नए डीएनए दो तरीके के आते, एक पेरेंटल N15 और एक नया N14। तो यहाँ पर दो बैंड बनते, एक बैंड बनता यहाँ पर लाइट बैंड, हल्की डेंसिटी वाला, और एक बनता ये वाला बैंड, ठीक है, हैवी बैंड, जो कि नीचे होता, ये N15 बैंड होता और ये N14। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा तो ताजुब में आ गए। क्यों ताजुब में आ गए, क्यों आ गए भैया, क्योंकि जो नया डीएनए था उसकी जो डेंसिटी थी वो मीडियम थी। डेंसिटी कैसी थी, मीडियम, N15 plus N14। हाँ देखो, जब ये बैक्टीरिया थे इनके अंदर ये वाला डीएनए था, जब इन बैक्टीरिया को मैंने ट्रांसफर करा तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने। इनके अंदर जब मैंने डीएनए की डेंसिटी देखी तो मीडियम डेंसिटी थी, ना तो वो हैवी थी ना वो लाइट थी। इसका मतलब दोनों डीएनए क्या हो गए, मिक्सअप हो गए, पेरेंटल प्लस न्यूली सिंथेसाइज। तो यहां से पता चला कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। समझ में आ गया, रीड करो इसे एक बार, सारे रीड करो यार, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। में गर्म पानी लेके आ रहा हूं, एक मिनट। मैं
अरे वो यही तो क्वेश्चन था, यही था वो। नहीं ये भी था, ये पढ़ लिया? अरे पढ़ लिया सबने? आ जाओ वापिस, आ जाओ भैया। हाँ सर पढ़ लिया, क्या समझ में आया? यही लिखा हुआ है जो मैंने बोला है। अब इसको प्रूफ करने के लिए फर्दर उन्होंने क्या करा, इस कल्चर को भी फिर से किसमें डाला, N14 में। इसमें डाला N14 में। अब क्या होगा, मीडियम जैसा था वैसा रहेगा, और ये जो लाइट थे, लाइट डीएनए। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है? हाँ N14 फर्दर प्रूफ करने के लिए। सारी पेरेंटल स्ट्रैंड अलग होगी पुराने डीएनए की, ये नया कल्चर है N14 का, ठीक है? ये नया N14 कल्चर, सारी स्ट्रैंड्स अलग हो गई। अब जितना भी बनेगा सब N14 होगा, इसके साथ आएगा N14, ये कंप्लीटली लाइट हो गया। ऐसे ये भी क्या हो गया, कंप्लीटली लाइट, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, मीडियम डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी। अगर कहीं से N15 वाला रीअपेयर हो जाता तो इसका मतलब कंजर्वेटिव है, इसका मतलब कंजर्वेटिव है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, टोटली लाइट बन गया डीएनए, इसका मतलब आधा पेरेंटल आधा न्यूली सिंथेसाइज। समझ में आ गया? और मीडियम जैसा था वैसे का वैसे रहा, ठीक है? तो यहाँ पर दो बैंड देखने को मिले, एक लाइट वाला और एक मीडियम वाला। समझ में आ गया, सीजियम क्लोराइड के अंदर। तो फाइनली हेंस प्रूव्ड हो गया कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है? हाँ N14 ये मीडियम वाला, N14 प्लस N15, N14 प्लस N15 पुराना वाला, मतलब वो पुराना आ गया ना, बीच में कहीं करेक्टर हाइड हो गया था, लेकिन वापस से पूरा N15 आ गया, ठीक है? समझ में आया बेटा यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट बोलो, सबको क्लियर है? लिखो एक्सपेरिमेंट इन 1985 है ना, 1958, इन 1958, इन 1958 सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज प्रूव्ड बाय मेसलसन एंड स्थाल। मेसलसन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट, मटेरियल क्या क्या लिया था, मटेरियल यूज इन एक्सपेरिमेंट, इकोलाई बैक्टीरिया, N14 एंड N15 आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। लिख लो मटेरियल यूज, मटेरियल यूज इकोलाई बैक्टीरिया,
N14 एंड N15, N14 एंड N15 आइसोटोप्स ऑफ, बोलो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिख लो फटाफट। क्या इकोलाई? मटेरियल यूज इकोलाई हाँ, मटेरियल बैक्टीरिया। यूज इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया N15 एंड N14 आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। यार मुझे बहुत ज्यादा जुकाम खांसी हो रहा है, बेचारे इन लोगों का क्या हाल है। चला लो। अरे रहने दे यार, गर्मी में रह लोगे ना 10 मिनट, जा तू यार काम कर। हो गया, अब उसके बाद ये सेटअप बनाओ पूरा, एनसीईआरटी से बना लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा गंदा सा ये वाला डायग्राम है। हाँ, ये वाला पूरा सेटअप बनाओ। इसमें देखो, ये जो दे रखा है, हैवी बैंड, मीडियम बैंड, लाइट लाइट और मीडियम, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी का डायग्राम बना लो, रफ में मेरा वाला बनाना है, बना सकते हो समझने के लिए, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी वाला थोड़ा अच्छा खूबसूरत डायग्राम है, उस पे ज्यादा नंबर मिलेंगे। रिजल्ट क्या निकला, क्या प्रूफ हुआ इससे? इन सेकेंड जनरेशन द डीएनए हैव मीडियम डेंसिटी, इट मीन्स इट हैव वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। देयर फोर डीएनए, इन न्यू डीएनए देर आर टू स्ट्रैंड, वन इज पेरेंटल, वन इज न्यूली सिंथेसाइज। हेंस प्रूफ हो गया कि डीएनए मतलब द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, अब क्वेश्चन कहां से आते? बंदे ने सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से आया, AIPMT 2016। क्वेश्चन आया सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट टाइम प्रूव्ड इन यूकैरियोट्स, मतलब कौन से यूकैरियोट्स में प्रूव हुई। आंसर क्या था? वीसीआर फाबा। क्या आंसर था? वीसीआर फाबा, फाबा बीन, फाबा बीन्स थी। उसके अंदर पहली बार सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रूव करा था, ठीक है जी। और वो क्या था? एक यूकैरियोट। तो देखो, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमेडीन टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इन क्रोमोसोम वॉज परफॉर्म्ड ऑन वीसीआ फाबा, फाबा बीन्स बाय टेलर एंड कलीग्स इन 1958, सेम ईयर। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोजोम ऑल्सो रेप्लीकेट सेमी कंजर्वेटिव, कि कोई भी डीएनए हो वो सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लीकेट करता है। देखो, यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स क्या है, उनके अंदर क्रोमोजोम नहीं बनता, उनके अंदर डीएनए ऐसे गुच्छा बन के पड़ा रहता है। तो इन्होंने कहा कि ये तो गुच्छा डीएनए पड़ा हुआ है, हो सकता है इसके अंदर सेमी कंजर्वेटिव हो, लेकिन जो मेन डीएनए है हमारा, क्या पता उसके अंदर सेमी कंजर्वेटिव ना हो। तो इन्होंने उसके अंदर, मतलब क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए था उसके अंदर पता लगाया कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है या नहीं है। तो फाइनली इन्होंने प्रूव करा कि यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? बोलो यार, डायग्राम बना लिया? बना लो फटाफट, फिर रिजल्ट लिखो इसका। सर ये क्वेश्चन दोबारा बेटा, फावा बीन्स वाला। 2016 में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट टाइम सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में किसने प्रूव करी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या नाम था। वीसीआ फाबा एंड एंड डिस्कवर्ड बाय प्रूव्ड बाय टेलर। किसने प्रूव करा था? टेलर और उसके कलीग्स ने प्रूव करा था। बेटा ये स्टेटमेंट पूरी लिखवाऊंगा मैं अभी एक्सपेरिमेंट के बाद।
क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है बेटा, मतलब बेसिकली सीजियम। अरे यार ये टेस्ट ट्यूब ऐसे रखी रहती है ना, तो इसमें टेढ़ी करके दिखाई हुई है तुम्हें, मेनली टेस्ट ट्यूब वैसे ही रखी हुई है। वो बता रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी टेस्ट ट्यूब, मैं ऐसे टेस्ट ट्यूब रखता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगती है। अब मैं उसे एक्सपेरिमेंट में ऐसे दिखा रहा हूँ तो बता रहे कि इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। यानी हैवी डीएनए जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ आएगा, भारी चीज नीचे जाएगी ना ग्रेविटी की तरफ, वो दिखा रहा है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ऐसे रखी हुई है जैसे मैंने रखी थी, यहाँ पर जगह नहीं है इस वजह से इन्होंने टिल्टेड कर दी, ठीक है। 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में इकोलाई का डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, यानी नया डीएनए बन जाता है। 80 मिनट की साइकिल होती है बेटा। लिखवाऊं रिजल्ट? रिजल्ट लिखो। यस सर। लेना एक बार स्टेप्स जो है इसके, ठीक है। मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूँ डायरेक्टली। रिजल्ट लिखो। इन सेकंड जनरेशन, इन सेकंड जनरेशन द बैक्टीरियल डीएनए हैव मीडियम डेंसिटी, द बैक्टीरियल डीएनए हैव मीडियम डेंसिटी। The bacterial DNA have medium density. It means it have one parental strand which is made up of N15 and one newly synthesized strand which is made up of N14. रिपीट कर दो एक बार। कर रहा हूँ यार, इसने लिख ली पूरी स्टेटमेंट, बोल दो इसे एक बार। आज एकदम से बारिश शुरू हुई है, जब निकले तो बारिश नहीं थी, एकदम से रास्ते में इतनी तेज बारिश पड़ रहा था, दिल कर रहा था रोक के नहा धो लो पहले अच्छे से बारिश में, गाड़ी की सीट खराब हो जाती है फिर बदबू आती है, फिर गौरव जैसे बंदों से साफ करवानी पड़ती है। गौरव तू कब काम करता है वो गाड़ी साफ करने वाली दुकान में? शिफ्ट कब है तेरी? गौरव मोटा हो रहा है साइड से, टायर बना रहा है, एफ का टायर बना रहा है साइडों में। बनिया है तू? सच बताइए, तभी तो बनियों के टायर यहाँ नहीं होते, मतलब एप्स यहाँ नहीं होती, उनके साइड पे होते हैं एप्स, है ना? बेटा अगर ये कम हो गए ना फिर तू बनिया नहीं, बनिया हैंड्स प्रूफ तभी होगा जब साइड से टायर आएंगे और कंजूसी कूट कूट के खून के हर एक पॉइंट पे भर जाएगी, वरना तब तक तो नकली बनिया है। ये बनिया बनने का क्राइटेरिया है, बंसल, गुप्ता, अग्रवाल, तेरा क्या है बनिया है? कोई और दिल पे ले जाए। चलो बेटा नेक्स्ट। अच्छा वो वीसिया फाबा वाला लिख लो, वीसिया फाबा वाला लिख लो। फर्स्ट टाइम
सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स इज प्रूव्ड बाय सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रूव्ड बाय टेलर एंड हिज कलीग्स इज प्रूव्ड बाय अच्छा टेलर अंबो वाला टेलर मत लिख लियो TALOR टेलर देखिए बता भी रहा है टेलर स्विफ्ट When we are both young and happy, say you close my eyes. कैलिक्स की ये ले देख ले CELLEAGUES कैलिक्स सही है पूछ रहा सही लिया हाँ जी एंड कैलिक्स इन 1958 बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडिन अब की बार क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पूछेगा पूछेगा क्या यूज करा रेडियो एक्टिव थाइमिडिन समझ में आ गया ध्यान रखना इसका उन्होंने N14 N15 यूज नहीं करा था उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडिन यूज करा था यार अपना अपना तरीका होता है एक्सपेरिमेंट करने का उसने थाइमिडीन करके यूज कर लिया उसे नहीं पसंद था नाइट्रोजन यूज करना ठीक है भाई भैया हाँ बेटा बोलो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो आप? हाँ कर रहा हूँ ठीक कल वाला लेक्चर पेंडिंग था लास्ट वो हाँ लास्ट क्लास की आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी। हाँ मैं डाल देता हूँ अभी मैंने यही सोचा है कि क्लास बंद होते ही दोनों रिकॉर्डिंग इकट्ठा अपलोड कर दूंगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हाँ हेडिंग डालो अब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई ना रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द प्रोसेस ऑफ हाँ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पहले तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रूफ किसने करा था वो एक्सपेरिमेंट था मिथाइल थाइमिडिन हाँ थाइमिडिन थाइमिडिन नहीं पता तुम्हें न्यूक्लियोसाइड और वो थाइमिडाइलिक एसिड हो जाता तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता जब एसिड लग जाता तो ये कह रहा है सर क्या पढ़ा रहे ये तो हमारे खाने पीने की बात है अरे सुनो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम दी डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन लिखो रेप्लिकेशन की डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम दी डीएनए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम दी डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन अब बेटा एक एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है और सुननी है देखो ये मेरा डीएनए और ये मेरा नया डीएनए तो नया डीएनए किससे बना पुराने डीएनए से डीएनए जो डीएनए को बनाने के लिए एंजाइम चाहिए होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलता हमें पूरा लिखना होता है तो ये जो नया डीएनए बना ये किसकी मदद से बना पुराने डीएनए की मदद से तो नया डीएनए बनने के लिए किस पे डिपेंड हो रहा है पुराने पे तो एंजाइम का पूरा नाम क्या हुआ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एआईपीएमटी 2018 एआईपीएमटी 2018 पूछा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसका पूरा नाम क्या है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आरएनए से डीएनए बनता है सबको पता है अब डीएनए बन रहा है फ्रॉम दी आरएनए तो
डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज किस पे डिपेंड हो रहा है? आरएनए पे। तो क्या लिखेंगे हम? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इतना सिंपल क्वेश्चन था और 4 मार्क्स मिल जाते हैं, समझ रहे हो? एआईपीएमटी 2018 देख लेना घर जाके, क्वेश्चन सारे हो सकता है ईयर ऊपर नीचे हो लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। आ जाओ रेप्लिकेशन पे। क्या बता रहा था मैं तुम्हें? रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम। तो रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम कौन सा है बोलो? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट यहां तक समझ में आया या नहीं आया? पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स होते हैं। कौन? प्रोकैरियोट्स। उनके अंदर 3 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, 1 2 3। यूकैरियोट्स के अंदर 5 होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा। यूकैरियोट्स का कभी कोई नहीं पूछता बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। पूछते क्या है प्रोकैरियोट्स का? तीन होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, सबका नाम यही होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन शॉर्ट फॉर्म के लिए, ईज के लिए हम क्या कर लेते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3। तो हमारा सबसे मेन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? व्हाई द अदर टू आर नॉट इंपॉर्टेंट? अदर टू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन। द मेन पॉलीमराइजेशन फंक्शन जो मेन बनाता है वो किसका काम है? थर्ड वाले का। हमारे पास मिस्त्री होता है, लेबर होता है, ठीक है, और एक बेलदार होता है सबसे छोटे लेवल पे। वैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 2 और 3 है, मेन काम किसको करना होता है? बेलदार को, और वो सबसे फास्ट काम करता है, मिस्त्री इंडिकेशन देता है, और जो सबसे बड़ा ठेकेदार होता है वो खड़े होके देखता है। मेन काम वो बेचारा बेलदार जो मजदूर है वो कर रहा है मेन काम, ठीक है। तो वैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है? मेन एंजाइम है जो कि डीएनए बना रहा है। इसकी स्पीड बहुत तेज है काम करने की। अगर मैं बोलूं एक बेलदार से काम करने के लिए और एक ठेकेदार से, ठीक है, मान लो ये हमारा बेलदार है, ठीक है गौरव, और ये ठेकेदार है। ठेकेदार हर रोज काम करता है और ठेकेदार कभी कभी काम करता है जब बेलदार अब्सेंट हो जाता है गुस्से में, दिहाड़ी नहीं मिली, ठीक है, तो ठेकेदार कर रहा है, वरना सारा काम कौन कर रहा है? बेलदार कर रहा है, ठीक है। अब इसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी, ठेकेदार शकुनपुर एरिया तेरा ही है, दोनों बाहर से आए, ठीक है। अब देखो यार ऐसे इंजेक्शन का ले लो, एनओ और इंटर, एनओ और इंटर यही इंजेक्शन लगाते हैं सारे, ठीक है। बाकी जो बड़े कंसल्टेंट है वो हार्डली जिंदगी में, मतलब एक बार अच्छे डॉक्टर बनने के बाद कभी कोई इंजेक्शन को टच नहीं करता, सारा काम उनका होता है, छोटे लोगों का है ना, टेक्नीशियन वगैरह ये सब करते हैं, वो अपना आके मेन काम करता है। तो अगर इंजेक्शन लगवाने का कॉम्पिटिशन लगा दिया जाए ना तो कंसल्टेंट के हाथ कांप जाएंगे, लेकिन एनओ और इंटर्न फटाफट फटाफट लगाते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में है काम। तो वैसे डीएनए पॉलीमरेज प्रैक्टिस में है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इट एड्स 2000 बेस पेयर, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। बुरा तो नहीं पक्का? तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। बहुत फास्ट लगाता है, बहुत फास्ट, ठीक है जी। अब तीसरी बात, डीएनए पॉलीमरेज या फिर कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम कहां से कहां जाता है? दे ऑलवेज गो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फॉस्फेट से हाइड्रोक्सिल की तरफ, फॉस्फेट से हाइड्रोक्सिल की तरफ। यानी ये जो पहला बेस पेयर लगाएंगे, ये वो नहीं होता कि सामने जो स्ट्रैंड लगा रहे उस पे, ये जो पहला बेस पेयर लगाएंगे उसका फॉस्फेट ग्रुप खाली होगा, और ये जो लास्ट बेस पेयर लगाएंगे उसका
OH ग्रुप खाली होगा, समझ में आ गया? तो दे कोड इन विच डायरेक्शन, 5 प्राइम टू ठीक है, 5 प्राइम टू AIPMT 2014 DNA polymerase codes in which direction? 5 prime to 3 prime. Same paper, different question, template strand polarity and coding strand polarity. Template 3 prime to 5 prime. Coding 5 prime to 3 prime. अभी आगे बताऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए 2014 में पूछा था DNA polymerase कहाँ से कहाँ जाता है और template और coding strand की ploidy क्या क्या होती है, पता चल गई? कोई डाउट, दिक्कत, दुविधा, परेशानी यहाँ तक? अरे प्लॉयडी में बोल देता हूँ, पोलैरिटी, पोलैरिटी यानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? ओके, आगे ये था डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम के बारे में कि जो डीएनए पॉलीमराइजेशन हो रही है, जो रेप्लिकेशन हो रही है, उसका मेन एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज 3. ये कहां से कहां कोड करता है, ठीक है? इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है? अच्छा, पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है. एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर. कैसे होते हैं बेटा? प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं. ये किसके बने होते हैं बच्चों? प्रोटीन के बने होते हैं. सर वो पढ़ता है ना, पूरा बंद कर और गेट लगा दे. गेट लगाने इन सेंस भेड़ दे अच्छे से. पूरा कर देते चार पांच. ठीक है, अब हम रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं. क्या 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है? अब डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, एक जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक जाती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होती है. फर्स्ट क्लास में बेसिक प्रिंसिपल में बताया था डीएनए की प्रॉपर्टीज में, ठीक है? पूरा डीएनए एकदम से, ये मेरा पूरा डीएनए है 2.2 मीटर का, अगर ये इकट्ठा खुल गया तो इसके खुलते ही तुम बेहोश हो जाओगे. क्यों? सारी एनर्जी इसमें लग जाएगी. इतनी एनर्जी चाहिए होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए. दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जी बॉन्ड विद सी, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ए बॉन्डेड विद टी विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 36 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है एक ATP के बराबर. सोचो कितनी एनर्जी चाहिए होगी. समझ रहे हो मेरी बात? तुम बेहोश हो जाओगे पहली बार में अगर ये खुल गया तो. इतनी एनर्जी बॉडी में देना पॉसिबल नहीं है. अगर एक कप है, इसके अंदर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने डीएनए डाला, नीचे से गर्म कर दिया, डीएनए डीनेचर हो जाएगा, यानी दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन बॉडी के अंदर करना पॉसिबल नहीं. तो इसलिए छोटा सा पार्ट ऑफ डीएनए खुलता है रेप्लिकेशन के लिए, उसकी रेप्लिकेशन होती है, फिर आगे पार्ट खुलता है, फिर उसकी रेप्लिकेशन होती है, फिर आगे पार्ट खुलता है, फिर उसकी रेप्लिकेशन होती है, फिर आगे पार्ट खुलता है. अब ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक 3D वीडियो के थ्रू और फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये तुम YouTube पे खुद भी देख सकते हो, मैंने भी देखी थी जब मैं पढ़ता था. YouTube कहाँ से आएगा यार? चाउमिन क्या? ठेनिया सोनिया में वो कीड़े है पेट के, चाउमिन.
The replication of DNA begins with a sequence of nucleotides called the origin of replication. Yes, sir. Yes. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase 3 is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase 3 can only add a nucleotide to the 3 prime end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase called a primase constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase. It's like कि एक मेरा बेलदार काम कर घर बनना शुरू हुआ है तो बेलदार बोल रहे कि भाई पहली ईंट मिस्त्री के हाथ से लगवा दो बाकी सारी मैं 10 मिनट में लगा दूंगा तो मिस्त्री आया उसने क्या करा छोटा सा प्राइमर अटैच कर दिया ठीक है जी छोटा सा प्राइमर अटैच कर दिया ओके और उसके बाद बाकी का काम कौन कर देगा डीएनए पॉलीमरेज तो थोड़ा सा अटैच करना होता है यही करा है आगे जो एक आया था एकदम से वीडियो अरे ये क्या है इज टू मेक कॉलेज इजीियर बिकॉज़ स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट्स माइक हार्पर एन इकॉन मेजर हु पॉप दिस शक्ल दिखा रही है अब ये क्या आ गया कहां से What's up, Ninja Nerds? In this video today, we're going to be talking about DNA replication. But before we get started, please continue to support us by hitting constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides. Add a nucleotide to the 3 prime end of a pre-existing chain of nucleotides, and it can. ये तो मैंने तुम्हें एक normal language में समझाया कि मेरा बेलदार कह रहा है ईट लगा दो. लेकिन normally primer का क्या काम होता है? जो DNA polymerase होता है, उसे काम करने के लिए free OH group चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? Free OH group. ताकि वो OH पकड़े यहाँ से और उसे attach करे किसके साथ? दूसरे वाले nucleotide के साथ. ठीक है? और जब एक का वो OH पकड़ के बॉन्ड करवा देगा दूसरे वाले के साथ तो इधर क्या फ्री रह जाएगा फॉस्फेट तो जो मैंने बोला था 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है वो भी बात सच हो गई फॉस्फेट खाली छूट गया और 3 प्राइम पे जो OH था उसे पकड़कर पता नहीं मेरा एरो दिख रहा है नहीं दिख रहा कर्सर ये जो ये देखो 3 प्राइम पर OH छूट गया इस OH को ये बॉन्ड करवा देगा आगे इस OH को क्या कर देगा बॉन्ड करवा देगा और इसके लिए फ्री OH रह गया क्या रहेगा फ्री OH अब इसको ये आगे बॉन्ड करवाता चला जाएगा ठीक है not initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase called a primase constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase 3 can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3 prime end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase 3 reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase 1, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase 3 can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication by adding nucleotides continuously to its growing 3 prime end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments.
When the DNA polymerase 3 reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase 1, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase 3 jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. For simplicity, DNA polymerase 3 has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand. The current view of DNA polymerase 3 is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase 3 are not shown. DNA is a molecule double made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of four chemical bases, represented by the letter A. Suno, kya hua? Sabse pehle helix thi. Kaisi ho gayi? CD. Kaun karta hai? Helicase enzyme. Kaun sa? Helicase. Agar jab ye helical structure mein hoti hai, usi mein agar dono strands ko hum separate kar denge, to DNA toot jayega. Usme pehle se stress hai bahut zyada. Tedi ho rakhi hai, is wajah se kya hai? Stress hai bahut zyada. उसी स्टेज में अगर हम उसे खींच देंगे तो डीएनए ब्रेक हो जाएगा बीच में से. सो उस स्टेज में नहीं करना होता. सबसे पहला एंजाइम हेलिकेज होता है जो हेलिक्स को खोलता है. समझ में आ गया? आगे सी जी एंड टी द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. दिस मींस दैट व्हेयरएवर देयर इज अ टी इन वन स्ट्रैंड देयर विल बी एन ए इन द The two strands run in opposite DNA directions. For 5 prime to this determines how each strand of DNA is replicated. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. This unzipping is done by an enzyme called helicase. Enzyme results है? In the formation of a replication helicase. Fork. ये क्या कर रहा है? Helical को खोल रहा है. ठीक है, पूरी तरीके से हेलिक्स को खोल रहा है. अब एक आएगा टोपोआइसोमरेज. क्या आएगा? टोपोआइसोमरेज. जब हेलिक्स खुलती है तो दूसरी साइड पे बहुत ज्यादा एक रस्सी है. जब उसे मैं खोल रहा हूँ तो रस्सी की ऊपर वाली साइड पे क्या पड़ जाएगा? बल पड़ जाएगा. प्राइमर लग गया. देखो भाई, कॉल्ड अ प्राइमर. प्राइमर लग गया. अब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देगा. अब आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्राइमर. ठीक है जी, the new strand अभी अपना DNA. काम करना शुरू कर देगा. गौरव भाई आ गया. Can only add DNA bases in one direction from the 5 prime एक end करके सारे 3 prime bases लगने लग जाएंगे. One of the new strands of DNA, the leading 5 prime strand, is made continuously. खटाखट लगते जा रहे हैं. कौन सी स्ट्रैंड है? ये one by one in the 5 prime to 3 prime direction. लेकिन लैगिंग में क्या होगा? The other strand, discontinuous हो जाएगी क्योंकि लीडिंग cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. फ्रंट गियर पे रिवर्स में तुम्हें क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में. बार-बार लगता है, बार-बार चालू होता है. डीएनए के छोटे-छोटे से फ्रैगमेंट्स बनके तैयार. डीएनए पॉलीमरेज देन एड्स अ शॉर्ट रन डीएनए बेसिस इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. इसको बाद में जोड़ा जाता है. दीस फ्रैगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. एआईपीएमटी 2015. The next primer is then added further down the lagging strand. These are the small fragments of DNA which are another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers. DNA is a molecule made up of two strands. अब इसे मैं क्या करूंगा? सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम से खोल दूंगा तो क्या बन जाएगा? मेरा एक हेलिक्स बन जाएगा. मतलब डीएनए एक पर्टिकुलर पार्ट से खुल जाएगा.
तो ये जो खुला हुआ पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फॉर्क, क्या बोलते हैं फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, वो पार्ट जहां पर रेप्लिकेशन एक्टिवली चल रही है अभी। अब डीएनए की एक स्ट्रैंड रन कर रही है 5' to 3', एक चल रही है 3' to 5', और एक चल रही है 5' to 3'। ये डीएनए की पोलैरिटी है, ये डीएनए पॉलीमरेज की पोलैरिटी नहीं है। अब देखो प्राइमर हमेशा किस साइड अटैच होगा, यहां पर अटैच हो गया, यहां पर भी इस साइड अटैच हो जाएगा। कंटिन्यूस वाली योजना सर पाइप से जो ये जा रही है, प्राइमर की पोलैरिटी जो है, देखो जो स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज कोड करता है 5' to 3', ठीक है, तो उसकी जो अपोजिट वाली स्ट्रैंड होगी वो कौन सी होगी, 3' to 5'। तो जो स्ट्रैंड 3' to 5' जा रही है उस पे क्या होगी, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कहां से कहां जाता है, 5' to 3'। बेटा ये नया डीएनए बन रहा है ना, नया डीएनए 5 से 3 की तरफ बनता है, तो इसके अपोजिट वाली स्ट्रैंड क्या होगी, 3' to 5'। समझ में आ गया, ये लीडिंग वाली है। तो जो लीडिंग जाएगी जिस पे लीडिंग सिंथेसिस होगी वो रन करेगी 3' to 5', क्योंकि डीएनए कोड कर रहा है 5' to 3'। और जो लैगिंग है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3'। ये लैगिंग है। अब देखो इसमें क्या होगा, हम अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं। अब ऐसे याद करो, मैंने ऐसे याद करा था, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, स्ट्रैंड रन कर रही है 3' to 5', डीएनए पॉलीमरेज रन कर रहा है 5' to 3'। इसे पॉजिटिव मान लो, इसे नेगेटिव, अट्रैक्ट करेंगे कंटिन्यूअस सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज रन कर रहा है 5' to 3', स्ट्रैंड भी रन कर रही है 5' to 3', पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगी, डीएनए टूट जाएगा बीच में से, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस। मैंने ऐसे याद करा था, सिग्निफिकेंस मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, इस वजह से बार बार ओएच ग्रुप प्रोवाइड करने के लिए हमें बार बार प्राइमर ऐड करने पड़ते हैं। अब यहां पर क्या होगा, प्राइमर ऐड करा, थोड़ी देर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए बनाएगा, फिर से एक और प्राइमर अटैच होगा, फिर से डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए बनाएगा, फिर से पॉलीमरेज अटैच होगा, फिर से डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, थोड़ा सा डीएनए बनाएगा। ये जो छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स क्रिएट हुए, दीज आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को बाद में जोड़ लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। जो स्ट्रैंड डीएनए की रन कर रही है 3' to 5', उस पे क्या होती है, लीडिंग, क्योंकि डीएनए कोड कर रहा है 5' to 3', और वो चल रही है 3' to 5', पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3', ठीक है, स्ट्रैंड भी 5' to 3', पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। तो सर जो ये वाली जो है इस पे छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। सर इसके बीच में जो स्पेस बचेगा वहां पर कौन डीएनए, स्पेस नहीं बनेगा, ये तो मैंने तुम्हें बताने के लिए बताया, अभी मैंने 3D इमेज जो दिखाई थी उसमें बिल्कुल यहां तक अटैच करेगा इसे, ठीक है, बाद में आरएनए पॉलीमरेज उसकी वजह मतलब ये इसको पूरा करेगा, लेकिन छोटे छोटे पीसेस इनको बाद में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो ये एक बना जी 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 सी टी, ये एक बन गया है ना, और इसके अपोजिट ये डीएनए चल रहा है कंटिन्यूसली, फिर यहीं से दूसरा चालू हो गया और ये लग गया ए ए सी सी टी जी सी, ये एक पोर्शन बन गया, ये दूसरा पोर्शन। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट हो गया, ये दूसरा फ्रेगमेंट हो गया, दोनों को जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज। बेटा समझ में आया थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन क्या होता है, आइडिया मिला, बोलो। अब इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, फिर लिख लेंगे, पढ़ो एनसीईआरटी से, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा, मुझसे बोला नहीं जा रहा, एक बार पढ़ के देखो सारे, जहां पर रेप्लिकेशन द मशीनरी
एंड दी एंजाइम लिखा हुआ है, वहां से पढ़ना शुरू करो बच्चों। सर आप ऑफलाइन कब से शुरू करोगे? कौन है? कितनी बार बताऊं यार, मेरे एग्जाम हो जाने दे, मैं शुरू कर दूंगा और ये सारा सिलेबस रिवाइज करवा दूंगा भाई, फांसी की सजा दे दे मुझे ऐसा कर। आकाश हो गए तेरे ऑफलाइन? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ माँ कसम सर, माँ कसम बेटी का लाल बिल्डिंग की कसम, साले बच्चे बढ़ जाएंगे वहां पर सारे, इतने सारे मेरे जैसे गरीब। सर हो चुकी है ऑफलाइन, मतलब हाइब्रिड चला रहे हैं वो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अबे तो रिकॉर्डिंग डालूंगा, देख लियो अभी, देख मॉलिक्यूलर की तो सारी डाल रहा हूँ ना, एक पेंडिंग है लास्ट वाली, अभी दिखाता हूँ। हाँ यार ओकादा की फ्रेगमेंट्स है, पढ़ तो चल रहा है बैकअप, दूसरी दुनिया में रहता है। हाँ कहाँ तक पहुँच गया आज हम? डायबिट क्रॉस तक पहुँच गया ना, डायबिट आज डायबिट क्रॉस हुआ तीसरी क्लास की, 7:30 टीटीएस आज ही के दिन, क्योंकि इन्हें दो दो बार आना पड़ता है ना, देख रहे एट इसकी क्या बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, 11th और 12th के कंबाइन होते हैं। आना है तुझे आज फिजिक्स? वल्ला 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 हबीबी, अच्छा यार जिसको जहाँ अच्छा लगे वो अच्छे से।
जिसको जहाँ अच्छा पैकेज मिलता है टीचर स्विच कर जाते हैं। भाई क्यों ट्राई करूँ मैं डॉक्टर अच्छा नहीं लग रहा तुझे, तू मेरा क्लिनिक चलने दे एक बार तब बताता हूँ, चार पांच साल का सबर कर तू। अरे नहीं बता रहा हूँ कि चार पांच साल का सबर कर, क्लिनिक वगैरह चल जाने दे फिर बताते हैं। गौरव को असिस्टेंट रखेंगे, करेंगे यार सब करेंगे, सर्जरी करनी है मुझे लेकिन आगे, अभी यार पहले बहनों की शादी कर दूंगा अच्छी तरीके से, फिर मैं बाहर जाने की कोशिश करूंगा यहाँ से अपनी आगे सर्जरी के लिए। इसमें थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, एनबीडी का एग्जाम यूएसएमएलई और एनबीडी, वो तो मैंने मतलब बच्चों को डाला था, मेरा रशिया में और तजाकिस्तान वगैरह में लिंक है एडमिशन डायरेक्ट एम्बेसी से नहीं डायरेक्ट कॉलेज से लिंक है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त पढ़ रहे हैं वहाँ पर तो कॉलेज से लिंक है, तो उन्होंने कहा था कोई भी एडमिशन हो हमें बता दियो, तो जो दलाली वाली फीस होती है ना 3.5-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए वो बंदों के बच जाएंगे, वो कितने लेंगे बेचारे 50,000-60,000 लेंगे सारा काम करवाने के, लेकिन मुझे दलाल लेते हैं वो अंधा लेते हैं यार। आज से 5-6 साल पहले ना जब मैं करता था 6 लाख रुपए में यूक्रेन में कंप्लीट एमबीबीएस हो रहा था, 6 लाख रुपए कंप्लीट, मेरा जर्मन में नंबर आया था, आईलेट भी क्लियर हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन एक बॉन्ड एंड में आया था, मैंने पेपर दिया था, पेपर्स क्लियर कर दिया मैंने ठीक है, उसमें ना मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो मेरी बहन के साथ मैं बहुत रहूँ तो मुझे काफ़ी सारी इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह पता है, वो उसमें पूछ रखी थी मैनेजमेंट वगैरह, मैंने सब अच्छा करा था, 20 नंबर की इंग्लिश थी, 20 नंबर का वो था, 20 नंबर का जर्मन, 20 नंबर का मेडिकल एप्टीट्यूड और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 30 नंबर की, ऐसे था मेरा बहुत अच्छा पेपर गया, क्योंकि वहाँ पर 10वीं लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, हाँ बाहर जो है 10वीं तक का होता है, उसके बाद 11वीं वो कॉलेज में करते हैं। हाँ बोलो यार, क्लास लीव कर देनी है? नहीं नहीं लीव क्यों करनी यार, पढ़ा रहा हूँ मैं, मैंने तुम्हें टाइम दिया था एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, हो गया एनसीईआरटी पढ़ ली सबने? यस सर। लिखो, डायग्राम बना लिया, अब एक साइड लिखना कंटिन्यूअस सिंथेसिस और एक साइड लिखना डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। हाँ एक मिनट में आ रहा हूँ, एक साइड लिखो कॉन्टिन्यूस और एक साइड लिखो डिसकॉन्टिन्यूस। हाँ एक साइड कॉन्टिन्यूस और एक साइड डिसकॉन्टिन्यूस, बस हल्की सी एडिट डलवाऊंगा फिर उसके बाद कल इसे कंटिन्यू, मतलब हो गया एप्लीकेशन तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे 5 मिनट लिखवा के ट्रांसक्रिप्शन चालू करवाना है। कॉन्टिन्यूस द स्ट्रैंड विच रन्स फ्रॉम, द स्ट्रैंड विच रन्स फ्रॉम, द स्ट्रैंड विच रन्स फ्रॉम कहाँ से कहा, द स्ट्रैंड विच रन फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हाँ कर दूंगा, द स्ट्रैंड विच रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सॉरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन्वॉल्व्स इन कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, इन्वॉल्व्स इन कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, एंड द स्ट्रैंड विच रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन्वॉल्व्स इन डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है वो किसमें इन्वॉल्व हो रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस में, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है वो किसमें, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस में। ठीक है, इन कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस प्राइमर अटैच सिंगल टाइम, प्राइमर अटैच सिंगल टाइम, एंड इन डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस प्राइमर अटैच मल्टीपल टाइम्स। कॉन्टिन्यूस में लिखना अ कंटिन्यूस बैंड ऑफ डीएनए इज फॉर्म,
अ कंटीन्यूअस बैंड ऑफ डीएनए इज फॉर्म, उसमें लिखना अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. डिसकंटीन्यूअस में लिखो अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड व्हिच आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ठीक है बच्चों, ये हो गया ऑलमोस्ट. ठीक है, इसे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लिखवाना बाकी है एंड का.